नेविकार्ड 5 टैबलेट, इससे हाइपरटेंशन में दिया जाता है, तो क्या इसका डोज होता है, कितना दिन लेना चाहिए, क्या बेनिफिट देता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या दो एक्टिविटी ऐड करके अपनों को बेहतर रह सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो अंत तक बने रहें। नेविकार्ड 5 टैबलेट के बारे में जानते हैं, जिसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 10 टैबलेट का कॉस्ट 172 रुपये है। इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल है नेबिलॉल, वो 5 mg है। तो इसका मॉलिक्यूल जो नेबिलॉल है वो एक बेटा ब्लॉकर है, तो हमारे हार्ट रेट को जो रहता है स्लो डाउन करता है, जिसके वजह से हमें जो हाइपरटेंशन रहता है वह कम होता है। तो अब बात करते हैं इसे कब दिया जाता है। तो जब आपको हाइपरटेंशन रहता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से आपका चेस्ट पेन हो रहा है, आपका कपारी दर्द हो रहा है यानी आधा सर दर्द हो रहा है, या जैसे कि आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक या स्ट्रोक ना आए, और जैसे आ चुके हैं उसके प्रिवेंटेशन के लिए भी दिया जाता है, और उसे आ चुके हैं तो उसमें भी इसे दिया जाता है, ताकि आपको नेक्स्ट जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक है वह ना आए। यह आपके जो ब्लड प्रेशर रहता है, जो हाइपरटेंशन रहता है, उसे डिक्रीज करता है, यानी आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो रहता है वो इजीली कर देता है आपके हार्ट रेट को स्लो डाउन करके। तो जिसकी वजह से आपका अगर हार्ट रेट अगर प्रॉपर चलने लगेगा, रिदम उसका प्रॉपर रहेगा, तो आपका जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड रहता है वह इजीली पास होने लगता है, और जो फ्यूचर में जो कठिनाई आने वाली थी वह कम हो जाती है आपको। इसके साथ में दो एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, जिसमें आपको हाई सॉल्टेड वाली चीज़ें अवॉइड करना, हाई फैटी वाली जो रहते हैं उसे अवॉइड करना, मीट जिसमें आप ब्लॉक्स और जैसे कि गोट मीट या बफेलो मीट अवॉइड कर सकते हैं, और जैसे कि आपको अवॉइड करना हाई मसाले वाली जो चीज़ें रहती है उससे आपको लहसुन और कांदे को भी अवॉइड करना है, और जैसे कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना जो दूसरी एक्टिविटी जिसमें रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, और आपको ऐसा भी करना है जिसमें योगा भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आप दो एक्टिविटी ऐड करते हैं और इस मेडिसिन को लेंगे, तो कुछ दिनों में आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो इस मेडिसिन को चबाना नहीं है, क्रश नहीं करना, डायरेक्ट पानी के साथ में निगलना है। इसे खाना खाने के पहले या बाद में ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आप खाना खाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद लेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसका बेनिफिट्स मिलेगा, और जैसे कि आपको जीने में चलाएगा, कमजोरी फील नहीं होगी। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाई गई है। अगर आप इसे खुद से लेंगे तो हो सकता है आपको कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको उल्टी आ सकती है, जी में चला सकता है, आपका हार्ट रेट स्लो हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकती है, आपको ठंड लग सकती है, आपका सिर दर्द हो सकता है। अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डायरेक्ट पूछ सकते हैं।